जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी का चुनाव बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। सुबह से शुरू हुए मतदान प्रक्रिया के बाद शाम को मतगणना का कार्य शुरू हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कड़ी टक्कर के बाद अपने निकटतम प्रत्याशी दामोदर पाठक को 69 मतों से पराजित किया। वही महामंत्री पद पर जोगेंद्र कुमार मिश्र, कोषाध्यक्ष पद पर संजय कुमार सिंह विजयी घोषित हुए। इस दौरान विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एल्डर्स कमेटी के सदस्य अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी, अध्यक्ष सूरज कुमार श्रीवास्तव और नव निर्वाचित अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा, मंत्री मैं अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी, एल्डर्स कमेटी का सदस्य हूँ। आज जिला अधिवक्ता एसोसिएशन का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी करीब 69 मतों से विजयी घोषित किए गए। महामंत्री योगेंद्र कुमार मिश्रा 7 मतों से विजयी, 157 मत पा करके अपने प्रतिद्वंदी लालमन के विरुद्ध 7 मतों की लीड पर वो विजयी घोषित किए गए। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष में विपिन कुमार उपाध्याय विजयी घोषित किए गए। कनिष्ठ उपाध्यक्ष में दो लोग हैं ना, अजय स्वरूप पाठक, उमा शंकर यादव विजयी घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष पद के लिए संजय कुमार सिंह विजयी घोषित किए गए। कार्यकारिणी का चुनाव अभी गणना जो है विचाराधीन है, चल रहा, कल होगी, कल डिक्लेयर किया जाएगा। इस तरह से हमारे जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के मतदाताओं ने सभी पदों पर योग्य प्रत्याशी घोषित किया है। मैं आशा करता हूं कि उनका कार्यकाल बहुत कुशल और दक्षतापूर्ण संपन्न होगा। सूरज प्रसाद श्रीवास्तव, चेयरमैन एल्डर कमेटी। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव जो है वह आज जो है उसकी गिनती हुई है, जिसकी फलस्वरूप जो है वह जहाँ तक अध्यक्ष की बात है, अध्यक्ष पद के लिए कृष्ण कुमार त्रिपाठी 210 मत उनको मिला है, कृष्ण कुमार दामोदर पाठक 221 मत मिला है और सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा को 6 मत मिला है। इस तरह से श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी करीब 69 मतों से विजयी हुए। अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष में 43 मत जो है अखलाक अहमद को मिला है, देश दीपक गुप्ता को 101 मत मिला है, निबूलाल चौहान को 125 मत मिला है और विपिन कुमार उपाध्याय को 228 मत मिला है। इस तरह से विपिन कुमार उपाध्याय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। अब उपाध्यक्ष दो पद जो है उसमें जो है अजय स्वरूप पाठक 202, अरविंद कुमार त्रिपाठी 139, उमाशंकर यादव 172, राकेश कुमार श्रीवास्तव 126 मत, रवि प्रकाश सिंह 132 मत। अब इस निर्वाचन जो है श्री अजय स्वरूप पाठक निर्वाचित हुए हैं और उमाशंकर यादव ये निर्वाचित हुए हैं दो पद के लिए।
अब जहाँ तक है महामंत्री का, श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा को 87 मत मिले हैं, जोगेंद्र कुमार मिश्र को 157 मत मिले हैं, श्री लालमन को 150 मिले हैं, श्री विनय कुमार चंद को 113 मिले हैं। इस तरह से 157 मत पा करके जोगेंद्र कुमार मिश्र जो है विजयी हुए हैं। अब संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद पर दो प्रत्याशी थे, नरेंद्र कुमार और विनीत मणि त्रिपाठी, इसमें 261 मत प्राप्त करके नरेंद्र कुमार संयुक्त मंत्री प्रकाशन के लिए नियुक्त हुए हैं, और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए उमेश चंद पाठक और बीरेंद्र कुमार उपाध्याय मैदान में थे, जिससे कि श्री उपेंद्र चंद पाठक सर्वाधिक को 337 मत मिला है, वो निर्वाचित हो गए हैं। कोषाध्यक्ष पद है, 4 प्रत्याशी थे, गिरिजा शंकर भट्ट, वशिष्ठ मिश्रा, श्री मुरारी लाल यादव, श्री संजय कुमार सिंह। सबसे ज़्यादा मत श्री संजय कुमार सिंह को मिला है, 198 मत मिले, इसकी गिनती नहीं हुई है। सदस्य जो है वरिष्ठ कार्यकारिणी का कल होगा। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के इस निर्वाचन में मैं अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूं। मेरे साथ मेरी पूरी कार्य समिति जो है जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जो है जिस आशा और विश्वास के साथ निर्वाचन किया है, पूरी कार्य समिति उस आशा और विश्वास पर जो है वह उनके अपेक्षाओं से आगे बढ़ करके जो है अपने को प्रस्तुत करेगी, और जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों के मान सम्मान के लिए, उनके एसोसिएशन के आर्थिक विकास के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सतत प्रयत्नशील रहेगी, तथा कचहरी परिसर में, ऑफिसों में, कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार का निराकरण कराने के लिए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से प्रयास करके उसको दूर करने के लिए प्रयास करेगी, तथा हर अधिवक्ताओं के सुख दुख के लिए जो है हमेशा प्रयासरत रहेगी, और बाधकारियों के हित को सर्वोपरि रखते हुए उनके हित में भी कार्य करेगी।